हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट पीड़ित साथियों का हमारे स्टे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी लगभग बंद हो चुकी है, लेकिन दोस्तों निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आज आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूँ कि केवल आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक ऐसी संस्था नहीं है। दोस्तों, हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा कंपनियों को बंद किया जा चुका है, लेकिन दोस्तों रजिस्टर्ड कंपनियों में केवल 30,000 कंपनियों को बंद किया गया है। तो उसमें चिटफंड और सोसाइटी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन पर इस वक्त ज़्यादा गाज गिराई जा रही है। तो निवेशकों से हम ये कहना चाह रहे थे कि निवेशकों को अभी तक ये मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनियां अवैध तरीके से धन एकत्रित की कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी धारणा निवेशकों में चिटफंड के पहुंचाई गई है। और सोसाइटी के निवेशकों को मैं बता दूं कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी एक विश्वसनीय संस्था और इस जैसी ना जाने कितनी विश्वसनीय संस्थाओं पर भारतवर्ष की गलत नीतियों के कारण, जी हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में जो गलत नीतियाँ इस वक्त चलाई जा रही हैं इनको बंद करने की, उनके आधार पर ही कंपनियों को बंद किया गया है। और आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को ऐसा लगता है कि पैसा कंपनी नहीं दे रही। तो मैं उनकी जानकारी के लिए आज बता दूं कि दोस्तों, जब किसी भी कंपनी पर सरकारी गाज गिरती है तो दोस्तों कंपनी ये चाहती है कि हमारे निवेशकों तक ये बात ना पहुंचे और उनको इस बात की भनक तक ना हो और हम अपना काम, जी हाँ दोस्तों, अपने केस को सॉल्व कर लें और जिस षड्यंत्र के शिकार है उस षड्यंत्र से बाहर आ सके। तो दोस्तों, ये एक बड़ी कोशिश निवेशकों को नहीं पता होती कि कंपनी इस तरीके से अपने मैटर को छुपा कर रखती है। लेकिन दोस्तों, जब बात आ जाती है निवेशकों को पैसे ना देने कंपनियों पर ही, जी हाँ दोस्तों, उनकी ही गलतियां दिखाते हैं, जो कि गलती नहीं होती उसको भी लाकर दिखाते हैं। ये दिखाते हैं मीडिया वाले कि देखो निवेशकों के पैसे नहीं दिए जा रहे थे इसलिए कंपनी को बंद किया जा रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वास्तविकता ये होती है कि कंपनी के खातों को सीज पहले कर दिया जाता है और निवेशकों को ऑफिस में चक्कर इसलिए काटने पड़ते हैं क्योंकि दोस्तों जब कोई कार्रवाई होती है तो हैंड टू हैंड ऑफिस बंद नहीं होते और हाथों हाथ ही निवेशकों को नहीं बताया जाता। तो दोस्तों, धीरे धीरे जब कार्रवाइयाँ बढ़ती हैं तो कंपनियां खुद ब खुद अपने बचाव के लिए हाथ पैर मार कर थक जाती हैं और उसके बाद जब धरपकड़ होती है तो सभी जितने भी इनके कंपनियों के निदेशक होते हैं उन निदेशकों को जेल में डाल दिया जाता है और निवेशक तो जेल में चले जाते हैं लेकिन करोड़ों लोग जो इन कंपनियों से जुड़े होते हैं वह प्रभावित होते हैं। उनमें क्या होता है कि जो अभिकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता आपस में लड़ने लगते हैं, एजेंट और निवेशक दोनों में लड़ाई होती है। एजेंट कहता है कि हम कि बहुत जल्दी कंपनी से पैसा दिला देंगे, लेकिन दोस्तों वो सरकार के हाथ में होता है, लेकिन सरकार इन मैटर पर जल्दी से जल्द अब कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, पैसे देने का कोई प्रोसीजर नहीं चला पाती क्योंकि वो धीरे धीरे चलने वाली एक कछुआ चाल होती है जिसका प्रोसीजर लंबा होता है, लेकिन तब तक एजेंट और निवेशकों में हाथापाई और सिरफुटाई होती रहती है। इसी तरह की न्यूज़ हम अक्सर दोस्तों आपको देते रहते हैं लेकिन वास्तविकता की न्यूज़ ये आपको दी जा रही है। तो दोस्तों, अब जो भी सिरफुटाई की है किसी भी तरह के केस की न्यूज़ होगी हम आपको अब से आधे घंटे बाद डालेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे पास 2 टॉप मोस्ट न्यूज़ है, लेकिन हमने सोचा कि सबसे पहले निवेशकों को ये बता दें कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता के आधार पर ही निवेशक और एजेंट आपस में लड़े। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है खबर। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।